गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, होपिंग फॉर योर गुड हेल्थ। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर। टेक आउट योर बुक, लेसन वन, गॉड ब्लेस मी। भगवान हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द चैप्टर इज रिलेटेड टू गॉड। भगवान के बारे में है ये चैप्टर, और किस किस रूप में भगवान हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आज हम लोग देखेंगे। वी ऑल प्रे टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द नेचर। जो इस संसार को बनाया है उनकी आज ब्लेसिंग्स लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हम सबको उनकी आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। वी ऑलवेज नीड गॉड ब्लेसिंग्स। सो नाउ आई विल रिसाइट द पोएम एंड यू विल ऑल्सो रिसाइट अलॉन्ग विथ मी। टेक आउट योर पेंसिल एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। मैं पढ़ने जा रही हूँ आपकी पोएम। आप मेरे साथ अपनी फिंगर और पेंसिल से इस पोएम को रख के हाथ अपना पढ़ेंगे, एक एक लाइन, और मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे। गॉड बी इन माई हेड एंड इन ऑल आई एम थिंकिंग। गॉड बी इन माई आईज एंड इन ऑल आई एम सीइंग। गॉड बी इन माई माउथ and in all I am speaking. God be in my heart and in all I am feeling. God be in my hand and in all I am doing. God be in my charity and in all I am giving. Now once more I will recite the poem and you will also recite the poem along with me. God be in my head and in all my thinking. God be in my eyes and in all I am seeing. God be in my mouth and in all I am speaking. God be in my heart and in all I am feeling. God be in my hand and in all I am doing. God be in my charity and in all I am giving. So it is a very beautiful poem and hope you will also read the poem and also learn the poem. Now I will recite the poem इन हिंदी ऑल्सो। मैं इस पोएम को हिंदी में भी पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। गॉड बी इन माई हेड एंड इन ऑल आई एम थिंकिंग। ईश्वर जो हमारे हेड में हैं, वे हमें सोचने में मदद करते हैं। हेड मीन्स सिर। जो हमारे सिर में हैं वो हमें सोचने में मदद करते हैं। थिंकिंग मीन्स सोचने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट लाइन, God be in my eyes
एंड इन ऑल आई एम सीइंग। ईश्वर जो हमारी आँखों में हैं, आइज मीन्स आँखों में हैं, वो हमें देखने में मदद करते हैं, मतलब सीइंग, देखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट लाइन, गॉड बी इन माई माउथ एंड इन ऑल आई एम स्पीकिंग। ईश्वर जो हमारे माउथ मीन्स मुंह में है, वो हमें बोलने में मदद करते हैं, इस रूप में मदद करते हैं बोलने में। नेक्स्ट लाइन, गॉड बी इन माई हार्ट एंड इन ऑल आई एम फीलिंग। भगवान जो हमारे दिल में है, हर्ट मीन्स दिल होता है, जो हमारे दिल में है वो हमारे फीलिंग्स, भावनाओं को के रूप में हैं। गॉड बी इन माई हैंड एंड इन ऑल आई एम डूइंग। भगवान जो हमारे हाथों में हैं, वो सारा काम में हमारी मदद करते हैं। डूइंग मीन्स काम, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो किससे करते हैं, हाथों से, उन हाथों में करने में हमारा मदद करते हैं। गॉड बी इन माई चैरिटी एंड इन ऑल आई एम गिविंग। भगवान जो अच्छे कार्य में मदद करते हैं, मतलब अच्छे कामों में जो मदद करते हैं, चैरिटी मतलब अच्छे काम में जो मदद करते हैं, वे लेने देने में हमारी हेल्प करते हैं। भगवान जो कामों में हमारी हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देना होता है, लेना होता है, किसी को ज़रूरत होती है, उसमें भगवान हमें हेल्प करते हैं कि ये इंसान ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को, तो उनको देने और लेने में भगवान हमारी हेल्प करते हैं। सो यू विल ऑल्सो लर्न द पोएम। Once more, in Hindi I will recite the poem. Lesson 1. God bless me. God be in my head and in all my thinking. ईश्वर सब जगह है, वैसे ही हमारे सिर में, हेड में हैं, वो सोच के रूप में हमारे सिर में हैं। गॉड बी इन माई आईज एंड इन ऑल आई एम सीइंग। भगवान जो हमारी आँखों में हैं, वो हमें देखने में मदद करते हैं। गॉड बी इन माई माउथ एंड इन ऑल आई एम स्पीकिंग। भगवान जो हमारे मुंह में है, वो हमें बोलने में मदद करते हैं। गॉड बी इन माई हार्ट एंड इन ऑल आई एम फीलिंग। भगवान जो हमारे दिल में हैं, वो हमें हमारी फीलिंग्स को, मतलब भावनाओं के रूप में हमारे साथ हैं। God be in my hand and in all I am doing। भगवान जो हमारी हाथों में हैं, वो हमें कोई भी काम करने में हमारी मदद करते हैं। God be in my charity and in all I am giving। भगवान जो हमारी अच्छे काम में मदद करते हैं, किसी को
लेना और देना होता है उसमें भी भगवान हमारी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो रिसाइट दिस पोएम वंस मोर। आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम। पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। गॉड बी ब्लेस मी। God be in my head and in all my thinking. God be in my eyes and in all I am seeing. God be in my mouth and in all I am speaking. God be in my heart and in all I am feeling. God be in my hands and in all I am doing. God be in my charity and in all I am giving. So students, like this you will also recite the poem and learn the poem. Okay, and also write the poem in your English literature copy. So students, write the word meaning in your copy, English first copy, English literature copy, word meaning, and you will write the poem also, okay? Put date, month, year, date, month, year, okay? And like this you will write the lesson 1, God bless me. One side you will write word and another side you will write meaning. Head, doing, feeling, charity. Head means mind. Doing means work. Feeling means emotions. Charity means alms. Okay? Turn the page, write the poem in your notebook, okay? You will write whole poem in your notebook. First line I have written in your, in my copy, and you will also write the poem in your copy. This is your homework. So students, now the online class for English First is over. Next class will be next time, okay? So you will learn the poem and write the poem in your notebook. This is your homework, okay? So close your books and copies. Thank you, class.